हेलो गाइस, रितेश कुमार जी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ये क्वेश्चन डाउट पूछा था, तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये क्वेश्चन को जितना हो सके उतना इजी वे में एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी विल बी 5:8 एंड आफ्टर 8 ईयर्स द सम ऑफ एजेस विल बी 71 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, अब दो लोग हैं, ए और बी की बात हो रही है। 5 साल के बाद उनके एज का रेशियो दिया है 5:8। 5 साल के बाद कहाँ पे? 5 साल के बाद प्रेजेंट एज यहाँ पे रहेगा, ये हमें नहीं पता है। इसके 5 साल के बाद प्लस 5, इनके एज का रेशियो है 5:8। यहाँ तक तो लोग कर लेते हैं, डाउट यहाँ पे आ जाता है। एंड आफ्टर 8 ईयर्स द सम ऑफ एजेस विल बी 71 ईयर्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5x+8 करते हैं, 8x+8 करते हैं, = 71 करते हैं, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि आफ्टर 8 ईयर्स बोला है। 8 ईयर कहाँ से? प्रेजेंट से 8 साल के बाद। इसमें प्रेजेंट लिखा नहीं है, पर प्रेजेंट होता है हिडन, ठीक है। तो प्रेजेंट से 8 साल के बाद इनका जो एजेस का सम हो गया 71 ईयर्स हो गया। बताती हूँ मैं, प्रेजेंट से 5 साल के बाद का तो रेशियो दिया ही हुआ है, अब आगे और कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, ए बढ़ेगा 3, 5x+3 प्लस बी बढ़ेगा भी 3, 3 साल आगे बढ़ेगा, 8x+3, और इसका जो टोटल यानी कि जो सम होगा 71 ईयर्स होगा। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग बस गलती यहाँ पे करते हैं, इस 3 की जगह पर 8 लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं। 8 ईयर्स बोला है प्रेजेंट से 8 साल के बाद, तो प्रेजेंट से 5 साल के बाद का रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 3 और बढ़ाना है तो 8 हो जाएगा। तो ये ए 3 साल और बढ़ेगा, बी 3 साल और बढ़ेगा, और इसका जो टोटल होगा 71 होगा। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 8+5 13x होता है, 3 3 6 = 71। 13x को यहीं रहने दीजिए, 71 में से 6 माइनस करेंगे तो 65 आएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, 13 5 65 होता है, x आपका आ गया 5। क्वेश्चन तो आधा यहीं पे सॉल्व हो गया। अब इस 5 को a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका कौन सा एज निकलेगा, 5 साल के बाद का निकलेगा। तो a और b को, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, a का एज हो जाएगा 25 साल, b का एज हो जाएगा 40 साल। क्वेश्चन में क्या बोला, ये 5 साल के बाद का एज है ना। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का एज हम लोगों ने 40 साल तो निकाल लिया है 5 साल के बाद का, अब वो उल्टा जाएगा ना, प्रेजेंट में जाना है उसको, तो 5 साल माइनस होगा इसमें से, तो आंसर आएगा 35 ईयर्स बी का प्रेजेंट एज है, और यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।